गाइस कैसे आप सभी हो। आप सब अच्छे से होंगे। सबका वेलकम है गाइस एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्टेप फॉर वीजा पे। अभी आज आपके लिए गाइस गुड न्यूज़ भी लेके आए हैं रिगार्डिंग क्रोएशिया की। न्यू अपडेट्स जो हैं कई इसमें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। गाइस जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें गाइस। और वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट्स की सारी जो जानकारी डिटेल में आप समझ सकें और जान सकें। ओके तो वीडियो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस जैसा कि स्टेप फॉर वीजा ने आपको पहले बताया था 120 दिन का समय मान के चलिए। जो भी सबमिशन करवा रहे हैं पर्सन VFS में तो 120 दिन कम से कम उनको बोला गया था कि वेट करें। बट अभी ऐसा आ रहा है कि एम्बेसी बहुत ही जो है अपना काम तेज कर रही है वीजा स्टैम्पिंग का, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे स्क्रीन पे टाइटल पर देखकर 49 दिन में 49 डेज में गाइस वीज़ा स्टैम्प होके मिला है। कैन यू इमेजिन 49 डेज में वीज़ा स्टैम्प होके आया है, 84 डेज में भी वीज़ा स्टैम्प होके आया है और 100 दिन में भी वीज़ा स्टैम्प होके आया है। तो इतने दिनों में अगर वीज़ा स्टैम्पिंग मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो पिछला सारा बैकलॉग है तो ऑलमोस्ट वो जल्दी से जल्दी सिमट जाएगा। तो वो दिन दूर नहीं जब वीज़ा 1 से 1.5 महीने के अंदर ही स्टैम्प होके मिलना चालू हो जाएगा। ओके जैसा कि आप जानते हैं 2024 चल रहा है तो पिछला बैकलॉग है वो जल्दी से जल्दी अम्बेसी कोशिश कर रही है ख़त्म करें। और बिकॉज शैनिगन में आ चुकी है 2024 से और न्यू रूल्स भी क्रोएशिया में आने वाले हैं, तो इसलिए ये चीज़ पे पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी बैकलॉग क्लियर किया जाए और वीज़ा जो स्टैम्पिंग है जल्दी की जाए। तो सब सबके लिए एक राहत भरी खबर है कि अभी वीज़ा स्टैम्पिंग जल्दी भी आ सकता है। 120 दिन आपको कहा जाता है इंतज़ार करें, बट अभी जो अभी के रुझान आ रहे हैं गाइस वो जल्दी भी आपको वीज़ा स्टैम्प होके मिल सकता है। ओके एक बात तो ये हो गया। और वीज़ा स्टैम्पिंग गाइस जो है नवंबर 2023 के भी चल रहा है पूरा काम जोरों शोरों से। अभी इस टाइम नवंबर 2023 के साथ दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में जिनकी भी फाइल सबमिशन हुई हैं, ध्यान से सुनिए, नवंबर 2023 के साथ दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 की जो फाइल्स हैं जिनकी VFS में सबमिट हुई उनके सभी के वीज़ा स्टैम्पिंग शुरू हो चुकी है। तो अपना स्टेटस रोज़ाना चेक करते रहें। आपका भी जैसे किसी का 49 दिन में आया वीज़ा, आपका भी आ सकता है। ओके दो बातें अभी इसको डिटेल में भी आ जाएंगे। तीसरा, एक VFS स्टेटस जो आप शाम को रोज़ चेक करते हैं, ओके 7:15 तक आप चेक करने का बताया गया था आपको मेरे लास्ट वीडियो में कि अभी जो है स्टेटस का टाइम जो है 7:15 तक जो है VFS में अपडेट हो रहा है। तो अभी गाइस एक मेरिकल हुआ है, चमत्कार हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। आप जैसा कि जानते हैं अगर किसी का VFS का स्टेटस एप्लीकेशन फॉरवर्ड टू एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इंडिया दिखाए तो इसका मतलब होता है 99% उस पर्सन का जो है रिफ्यूज़ हुआ है। ओके बट इस केस में ऐसा हुआ है गाइस, इस पे ये स्टेटस के बाद 2 दिन बाद कोरियर ब्लू डार्ट ऑफ इंडिया का स्टेटस अपडेट हुआ। ओके पर्सन मान चुका था उसका रिफ्यूजल है, बट 2 दिन बाद स्टेटस चेंज हुआ कोरियर का, उसका पासपोर्ट कोरियर हो गया। इट मींस उसको वीज़ा मिल गया। इसमें VFS की गलती कहें या उस पर्सन की किस्मत पलटी, दोनों चीज़ों को हम कह सकते हैं। ओके तो आइए वीडियो को डिटेल में जानते हैं किस किस की वीज़ा किस स्टेट्स में हुए। ये देखिए गाइस नज़र डालिए स्क्रीन पे।
मेरे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया है, 5 जनवरी को वीजा लगा। ओके, 5 जनवरी को वीजा लगा। साफ साफ देखिए स्क्रीन पे ऊपर लिखा है। और वीजा कब लगा है गाइस? 23 फरवरी को। 23 फरवरी को जो है उसका कोरियर का मैसेज आ गया उसको। ओके, कोरियर का उसको मैसेज आ गया, 5 जनवरी को लगा, सबमिशन हुआ VFS में, और 23 फरवरी को उसको कोरियर का मैसेज आ गया। वेटर में अप्लाई हुआ था गाइस। ओके, देख लीजिए, वेटर में अप्लाई हुआ था और 49 डेज में वीजा मिला। 49 डेज मात्र, देख लीजिए कितना फास्ट है। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए गाइस, इन्होंने लिखा 1 दिसंबर को 10 लोगों का वीजा अप्लाई हुआ। 1 दिसंबर को 10 लोगों का वीजा अप्लाई हुआ और वीजा इनको भी 23 को मिल गया। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए गाइस, दिल्ली में सबमिशन हुआ था 1 दिसंबर को 2023 को सबमिशन हुआ था और 23 फरवरी को इसका डिस्पैच हुआ। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए गाइस, ऊपर देखिए स्क्रीन पे, एप्लीकेशन हैज बीन कोडेड का मैसेज इनको हुआ है रिसीव 19 फरवरी को और इनका सबमिशन हुआ था 6 नवंबर को डिलीवरी में, बाइक डिलीवरी में इनका जो है सबमिशन हुआ था, इनका वीजा आया। उसके बाद है गाइस नेक्स्ट, ये देखिए सबसे पहले 31 अक्टूबर ये पर्सन है, इन्होंने कमेंट किया, पढ़ सकते हैं, 31 अक्टूबर सबमिशन रिफ्यूजल आया, इन्होंने ये लिखा इसमें, इनका कंपनी का नाम भी इसमें है। ये देखिए इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है इसमें कि इनका एप्लीकेशन फॉरवर्ड हैज बीन टू एप्लीकेशन सेंटर इंडिया दिखाया गया 3 डेज अगो। ये देखिए, और उसके बाद देखिए इन्होंने क्या दिखाया इसमें, अब नीचे देखिए इन्होंने खुद ही लिखा, अभी स्टेटस, सेकेंड लास्ट स्टेटस देखिए, सेकेंड लास्ट मैसेज पढ़िए, अभी स्टेटस चेंज हो गया, पासपोर्ट डिस्पैच कोरियर ब्लू डॉट, और मैंने लिखा है ओम मिरेकल कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये देखिए गाइस, अब देख सकते हैं सारा चैट, सब इन्होंने खुद ही बताया, पहले इनका स्टेटस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इंडिया है, उसके बाद कोरियर हुआ। तो ये एक किस्मत कह सकते हैं, VFS की गलती दोनों चीज़ से इसमें होती, बट जो भी है बहुत अच्छा लगा, ऐसा भी हो रहा है, सबका वीजा आना चाहिए, पर ये चमत्कार देख के खुशी हुई। उसके बाद गाइस है नेक्स्ट, ये देखिए 14 नवंबर को हुआ था सबमिशन, 21 फरवरी को इनका वीजा आया, दिल्ली में सबमिशन हुआ था। ओके, उसके बाद है गाइस 10 नवंबर को सबमिशन हुआ, 20 फेब को इनका वीजा आया। उसके बाद देखिए 100 दिन में वीजा, आई गॉट माई वीजा विद इन 100 डेज आफ्टर सबमिशन, टाइल मैसेज में इनको वीजा मिला 100 दिन में। ओके, उसके बाद है देखिए, ये 20 अक्टूबर का केस था, दिल्ली में सबमिशन हुआ, इनका बहुत समय लगा, 127 दिन, कार मैकेनिक का जॉब में इनको वीजा मिला। कई बहुत ही केस ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा समय लगता है, 120 दिन भी क्रॉस कर जाते हैं, तो पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि किसी का जल्दी आ रहा है तो आपका भी जल्दी आएगा, तो आपका जल्दी भी आ सकता है और लेट भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। ओके, उसके बाद है गाइस ये देखिए, 17 नवंबर को सबमिट हुआ था दुबई से, और इनका दुबई का केस है, 17 नवंबर को सबमिट हुआ था, दुबई में थोड़ा फास्ट होता है काम, और 20 को इनको रिसीव हुआ, 20 फेब को यानी। ओके, उसके बाद है गाइस 22 फरवरी को इनका कोरियर डिस्पैच हुआ और 8 नवंबर को इनको सबमिशन था और 22 फरवरी को इनको जो है वीजा मिला। तो ये गाइस रिजल्ट्स थे, और मंथ की बात बता दूँ, जो अक्टूबर मंथ है गाइस, ऑलमोस्ट 98% कंप्लीट हो चुका है अक्टूबर मंथ, 98%
कंप्लीट हो चुका है। अब मान के चलिए सिर्फ 2% मात्र 2% ही अक्टूबर मंथ रह गया है और पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 2% रह गया है। अभी आज के टाइम में सिर्फ नवंबर पे पूरा जोरों 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 शोरों से वीज़ा स्टैम्पिंग हो रही है नवंबर मंथ की, और साथ साथ जैसा कि मैंने बताया आपको दिसंबर और जनवरी भी साथ साथ शुरू कर दिए गए हैं, जिनका भी अक्टूबर सॉरी नवंबर दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में सबमिशन हुआ है, उनकी वीज़ा स्टैम्पिंग स्टार्ट हो गई है। बट आप इम्पेशेंट मत हुए, इत्मीनान रखें और अपना स्टेटस चेक करते रहें। जिनका भी एक 50 दिन से ऊपर हो जाता है, बिकॉज 49 डेज पे वीज़ा आया, तो हम यही बोलेंगे 50 दिन अगर हो जाता है तो VFS का साइट पे रोज़ स्टेटस चेक करें, शाम 5 से 7:30 तक, एटलीस्ट 7:15 तक था 7:30 तक चेक करते रहें। कभी भी आपका स्टेटस चेंज हो सकता है, जल्दी भी वीज़ा आ सकता है, और रेशियो अच्छा चल रहा है गाइस। बस आपका जो है कंपनी सही होना चाहिए, एम्प्लॉयर सही होना चाहिए वहाँ पे, और आपका वर्क परमिट जो सबसे ज़रूरी है वो सही होना चाहिए। ओके, तो वीज़ा का जो दर है मैंने बताया था आपके अपने वीडियो में पहले भी, वीज़ा दर अभी भी अच्छा चल रहा है। ओके, 100% कोई भी जॉब हो, बस आपका कंपनी सही होना चाहिए। ओके, और एम्प्लॉयर सही होना चाहिए, ठीक है, तभी वीज़ा जो है अच्छे रेशियो में मिलेगा। वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दें गाइस, स्टैफोर्ड वीज़ा को अपना अपने कमेंट कर सकते हैं मुझे, और आप मुझे अगर बात करना चाहते हैं मेरे से तो मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम गाइस आईडी है स्टैफोर्ड वीज़ा, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो करें, मेरे से बात कर सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं, और मेरा ईमेल है गाइस stepforvisa@gmail.com, और मेरा टेलीग्राम आईडी है गाइस @step4VS, इस पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर स्टेप फॉर वीज़ा की आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप मुझे इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टेप फॉर वीज़ा क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर डिटेल मैंने डाला हुआ है कि क्या क्या स्टेप फॉर वीज़ा सर्विस प्रोवाइड करता है। वीडियो कैसा लगा जरूर अपनी राय दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने सभी नॉन जो भी आपके नॉन में है सभी को वीडियो फॉरवर्ड करें, ताकि सभी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सके और अपडेट हो सके, और जिन्होंने भी सबमिशन करवाया हो आपको उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चैनल को गाइस जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे स्टेप फॉर वीज़ा वीडियो डाले अपने हैंडल पे यूट्यूब पे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो कैसा लगा गाइस राय जरूर दें। थैंक यू सो मच।